फिर मैं हम तुम जानता है अरे संगल में ऐसा कौन भिखारी रहता है के? तुम्हें पता नहीं है जो मैं तुमसे पूछता है वही बताओ कहां के रहने वाला है और कहां जा रहा है। हाँ अपना गाँव के जंगल बन तो दौर से भाग चलो राम ज्यादा छोटी मुंह बड़ी बात मालूम कर तुमने कौन किला की रहने वाला है। हमारे घर राज मोरंगर क्या तुमने मोरंग की नाम लिया किस वजह से होती सही बताओ क्या तुम मोरंगर के रहने वाला हो तो अंडे में सतरा किया इसलिए कुछ बातों की याद सता रहा है। राज मोरंगर का नाम ले तो चलेंगे जाना है कहां तुम्हें राज महप्पा मोहप्पा हाँ किसके पास और मौका अच्छे क्या बोला राज महप्पा पे राज महप्पा की छत्रियो है यह जुबान में जाने की मजबूर करता नहीं चले जाता है क्या बोला रे कान सुनो इधर सुनो अरे बा पत्र लाओ मेरा दादागिरी चलता है तो दादागिरी से चलो चलो हम अपने टाउन छिए तुम देना हरिदल सिंह को ना हमारे गोसा पता था हमारे गोसा चला चुके बिना मार खा के घर हमें बेच दे छी साबास इसलिए तो इतना मार तुम खाता है अपने टाउन छिए सुनो पत्र देना हरिदल सिंह को हाँ अगर रुदल सिंह से यहाँ मुलाकात करा दू तो 500 ग्राम को चार दिया अच्छा सुनो बहुत पिटाई करेगा वो ससुराल के चिड़गा में बहुत बदमाश है वो ए हमरा लंदन रह जाए छे सुनो राज महता के रुदल के तुम्हें देना है पत्र बस और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि रुदन सिंह से यहाँ मुलाकात कराऊंगा करेंगे बोल क्या काम रहा सुनो पागल बता सुने तो कोई दिखाओ रुदन को दिखा बटू जोगी और चपी अकी राम रहीम बाबा चो अरे हराम चाहता क्या राम रहीम बाबा तू सोच रहा है नहीं रखते इतने तैयार कैसिया देख लो गे रुदल सिंह को क्यों वह नहीं तो पागल चे अरे हमें चलाना लाख ही बाबू आई भाला ये रुदल सिंह मार दांगा
एक मिनट पूछ ले छिए असली छिए कि कोनो ओठो मुट्टा छिए तो ना बुझल छिए मेरा नाम रुद्र सिंह है आज ही बतावा कि आज मोरंदर में रुद्र सिंह शादी करके कौन कौन लीला पर रहे से बतावा हमरा जात से तू बतेव तब ना पूछबे बहुत लंबा कहानी है बतावे ने एक समय की बात था कि राजमहता में पाकल बीरा पान रखा था बड़े भाई साहब रखा था और पाकल बीरा पान में लिखा था कसम की जो पाकल बीरा पान खाएंगे वो जब कबीर की घोड़ा खरीद बुलाएंगे अचानक रुदर से शिकार करते करते आकर पाकल बीरा पान उठा लिया बड़े भाई साहब ने बोला रुदर ये पाकल बीरा पान में कसम लिखा है कि जो कोई पाकल बीरा पान खाएंगे वो गद का बुर्दी घोड़ा खरीद को राज भापा लेंगे मैंने स्वीकार किया लेकिन उससे पहले मेरा साथ कुछ बात और बीता था जो रानी भुदा नाम है उसे नाम पहले दूसरा जन्म में रानी बिजमा कहलाती थी वो करिया झगड़ू की बहन और मेरा भी बहन थी मैं अपने पिता की बदला मारो दस्त राज में लेने के लिए गया था तो सभी सती के मैंने से हाथ थम लिया बिजमा बोली भैया रुदल इस जन्म में आप मेरा चाचा की बेटा है आपको मैं बहन हूं अभी शादी करते हैं तो छत्री कुल में दाग लग जाएंगे मैं अपने हाथों की तेगा तुम्हें थमाता हूं और तुम्हें पास में बल होगा तलवार में स्थान होगा दूसरा जन्म मोरक किला राज होगा नरपति सिंह पिताजी पड़ेंगे बकरंदी भाई एक फूल की नारी मैंने सती फूला कहेगी कि मेरा सूरज से चौदह दास रहेगा सुन रहा है कि ना भाग्य रे आई अच्छे लेकिन जो पाकर बिना पान खाकर मैंने कामगर रात को यात्रा किया तो मोरंदर में मेला लगा हुआ था मैंने घोड़ा बिलवाया लेकिन घोड़ा का स्थान नहीं मिला मैंने फूल बाई में जाकर डेरा दिया मालिक वहां पर आई कहा मुसाफिर ये तो लेडीज की बात है तुमने कैसे आ गया कहा मालिक तुम मेरा मौसी है उसे मौसी कहकर सुंदर सुंदर फूल बना बनाकर माला बना बना के रानी फूला के लिए फेंक दिए मौसी की बोल दी के मालिक ये माला तुम्हें कौन बनाई है मालिक ने बात को छपाई को मेरा बेटी बनाई है कहा जाओ उसे लेके आना मैं सती बनाऊंगा मैंने बनारस से चूड़ी मंगाया गोरखपुर की केस मंगाया सोलह सिंगार पर दूसरा वर्ग को रानी फूला की दरबार में बाहर पहुंचा सारा रात जुआ पसीसी उसे साथ खेला एक अंगुली अंगुली फिरने की बात चमक गई रानी फूला बताओ तुम मर्द हो या औरत मैंने कहा है रानी फूला याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने तलवार फेंककर मानव की आवाज में मर गई थी और मुझे लड़का दी थी वही रुदर सिंह राजमाता की रहने वाला हूं मैं ये मारू घंटा बजाया एक से एक सेनापति को रानी फूला की डोरा फरा के राजमाता ले गए चल खाली कर दो आपस गई आज 12 वर्ष बीत रहा है रानी फूला की चेहरा तक आज तक नहीं देखे हैं बोलो आज तो विश्वास कर रही हो विश्वास मोदी की या दी की तापत बान रोपा ले गए
सुशोती कुरेंत राजमोहन सिंह गुरुहाय रामराम आबादन की सुरजी राजमामा कुसार सरदार होगा सो आकर दो करो सरदार सरदार आगे भाषण चाहिए कि रानी सोना पुत्र से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम वाह संस्कारी बोल चल रानी थोड़ा तो बोझो तबियत खराब हो गई पानी तो पानी चले जा रही है दुख कंट्रोल में नहीं आ रही थोड़ा तो बढ़ गई है नहीं कम गई है रानी फूला बीमार है बोझो पानी चलता है और खाना कितना खाती है बस पहले रात के और 10 किलो इसलिए बीमार हो गई है इसलिए मैं बचने वाली नहीं हूं पात्र मैं अपनी मंत्री द्वारा भजवा रही स्वामी जी ये पात्र सुनते ये राजमाता सराज मनोज चले आवे नहीं आने तो माँ और बहन को तलाती मंत्री नकु बाजार अरे आज एक आज की भाषा है पीछे चीन के अच्छा सुनो यहां से मेरा घर बहुत दूर पड़ता है और सुनो सुनो हाथ में बिल्कुल करो क्या हाथ में बिल्कुल करो क्यों थोड़ा कोरोना वायरस मिल चा किसको रे थोड़ा अरे मंत्री नकु बाजार हाँ राज अपने घोड़े खिलाना आज अबे आज का थोड़ा रोज आऊंगा पक्का पक्का जाओ यो क्या आदमी हुए क्या क्या आदमी हुए अकेला आऊंगा अकेले जाओ आप सबसे पहले आयो पत्थर से बे पैदल ले की गोरी से बिना घोड़ा से घोड़ा है यार टक्कर जब पहले टक्कर अरे मेरा सवारी अभी हो रहा है हमारा चक्का को घर में नहीं देता नहीं मारेगा सुनियो तो बात भी लेके क्या क्या बजे में कितना बजे जो घर से चलता है तो समय में देर बनता है कितने देर में पहुंचेंगे अरे पहले हम रात को देखो ना खाना तो ना बने अच्छा क्या बजे जहाँ सही टाइम 12 बजे में आएंगे 12 बजे हाँ चलो चलो हाँ हाँ खाना में किसे खेले खाना में भोजन महारानी फूला जी का सदा भोजन मनाने के लिए ये मैं सुलभ छी हाँ अंदर नहीं खाई छी मारे गए ए इधर चलो ए क्या इधर चलो इधर आओ इधर कॉस्ट्यूम नीलाम लेकर जाओ नहीं रानी फूला से दे देना बंद मारे बस ये वो हमें तो तो ठीक है पासी खुना सात को पकड़ के छीन रुपया छीन लिए बदमाश है बदमाश है चोर है चोर छी चोर है रे हरम जाना भागो सबसे पहले मैं ये वादा क्या है भाभी सोना से अगर रानी पूरा करो ला दो तो दिल में चैन नहीं होगी पूरा किए दो भाई साहब को नैना किला राज में शादी किया पिता की तुल माना और माँ की तुल भाभी सोना से आज मैंने भाभी सोना से बोलेंगे कि महारानी फूला ने पत्र लिखी है मुझे आदेश दो केवल 8 रोज को भूषण